नमस्कार किसान भाइयों भाइयों, आज हम एजेंसी में आए हैं। ये देखो फार्म ट्रैक की एजेंसी है। आज भाइयों ये वीडियो है फार्म ट्रैक F17, फार्म ट्रैक F23, फार्म ट्रैक F31 जो 60 के मॉडल आते हैं। F17 वो है भाई जिसका एयर क्लीनर शो के बीच होता है और शो के बाहर होता है और 14 के टायर हैं, और F31 और F23 वो हैं जिनका एयर क्लीनर शो के बीच होता है और इसमें 16 और 28 के टायर आते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको इसका स्पीड चार्ट। हाँ देखो, यहाँ देखो भाई, अच्छे से देख लो इसे। ये है F31 60 का स्पीड चार्ट। इसको इन्होंने A, B और C, D में किया है। ये देखो इधर इसका लिखा हुआ B, नीचे C आ गया और उधर D आ गया। मेन बात भाइयों ये है, फर्क तो सभी गियरों में होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये देखो भाइयों, जब लो के पहले गियर के साथ बुल गियर लगा के चलाएंगे, ये आपने देखा होगा पहला गियर, पहला और दूसरा पावर हैरो स्ट्रा रिपर और सुपर सीडर के लिए है। इसमें देखो भाइयों, फर्स्ट गियर लगाने से जब बुल गियर लगाएंगे साथ लो के, तो 2000 RPM पर ये 1.4 किलोमीटर की स्पीड निकालेगा। 1800 पे चलेगा 1.3 की स्पीड निकालेगा पहले गियर में, और दूसरे में 1800 RPM पे ये निकालेगा 1.7 की स्पीड। मतलब ये बहुत ही बढ़िया स्पीड है सुपर सीडर के लिए। इसलिए ही इस ट्रैक्टर को F31 को और F23 को सुपर सीडर स्पेशल बोलते हैं। मैं आपको F23 का दिखाऊंगा अभी। F23 में ये चार्ट में कितना फर्क है, आप बेशक इसे पॉज करके देख लेना। ये देखो भाइयों, ये है अपने वाला F23, F17 और F31 के बीच का मॉडल, मतलब 2021 में ये टॉप मॉडल था। अब देखो इसका चार्ट, देखो इसे पॉज करके देख लेना आप। मैं आपको बताता हूं, इसकी 1800 RPM पर पहले गियर के साथ जब बुल लगेगा तो भाइयों 1.7 की स्पीड है, तो ये F17 से स्पीड कम है क्योंकि उसकी 2.2 है, और F31 से ज्यादा है क्योंकि F31 की 1.3 है। तो मतलब ये है कहने का कि जो F17 है भाई, वो रास्ते पे इन सब से ज्यादा चलेगा। हाई में भी थोड़ा स्पीड का फर्क है। ये देखो पहले जो हाई में है ना, इसकी पहले हाई में 1800 RPM पे देखो 7.9 की स्पीड है, और F17 की 10.5 है, जितनी इसकी 2000 RPM पे जाके होगी। तो भाइयों खेत में जब इम्प्लीमेंट चलाने हैं, जैसे सुपर सीडर चलाना है, सबसे बड़ी बात तो भाई सुपर सीडर, पावर हैरो और स्ट्रा रिपर, ये उनके लिए स्पीड है। अगर खेत में धान का भूसा वगैरह ज्यादा हो, जहां जब तुड़ी वाली मशीन चलाते हैं वहां पे लाण ज्यादा हो, तो गियर कम छोटा डाल के पहला गियर डालने के बाद ट्रैक्टर बढ़िया परफॉर्मेंस देता और दे भी रहा है, जो कि F17 में भाई वो स्पीड नहीं है। F17 उतना अच्छा से नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर रास्ते पे देखोगे तो F17 से इसकी स्पीड कम है, वो हर गियर में इससे चाल ज्यादा होगी। जो F17 है, फार्म ट्रैक 60 F17 है, उसकी ये जो गियर की स्पीड है भाई 1800 RPM पर लो पर बुल गियर लगाएं तो 2.2 की है। मानो ये तीन तरह की स्पीड हो गई। F17 में हो गई पहले गियर के साथ बुल गियर लगाने पर 2.2, वो काफ़ी तेज चलेगा। फिर इसके बीच का आ गया F23 जो 1800 RPM पर चलेगा 1.7 किलोमीटर, और F31 आ गया जो चलेगा 1.3, मतलब एक उतनी ही स्पीड पर 1.3 किलोमीटर से चलेगा, एक 1.7 से, एक 2.2 से, और इतना ही थोड़ा थोड़ा फर्क। मैं सभी के चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा फर्क हाई में भी है। ये देखो, ये इसका
हाई वाला कॉलम है सारा, जो डी वाला है। इसमें ये देखो भाइयों 1800 आरपीएम पे 9.5 की स्पीड पे चलेगा। तो जो F17 है वो 1800 आरपीएम पे हाई गियर में भी थोड़ा ज़्यादा चलता है, उसकी 10.5 की स्पीड है। और जो F23 है उसकी इस वाले से थोड़ी सी कम है, मैं वो भी आपको चार्ट अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग चले। यही फर्क है, यदि पहले गियर च जब लो गियर लाने हैं पहले गियर च जरूर यह F23 नालों भी तो F17 नालों भी घट चलता, बहुत ज्यादा घट स्पीड आदि हूँ तो दिखती है ना, है ना 1800 से 1.3 है ये 60 F31 ये देखो ये सबसे कम स्पीड वाला आ गया। ऐसे ही 60-55 में ये F27 सबसे कम स्पीड वाला आ गया। 60 में 3 आ गए F17 F23 और F31, 60-55 में आ गए 60-55 F27 और F18। भाई ये सुपर सीडर के लिए तो ये दोनों ही माने जाएंगे, इसमें F27 60-55 में और फार्म ट्रैक 60 में F31 इससे थोड़ा ज़्यादा तोरे वाला है F23। ये दोनों मॉडल इसके सुपर सीडर स्पेशल हैं, बाकी जो फार्म ट्रैक 60-55 में F18 आता है और फार्म ट्रैक 60 में F17 वो सुपर सीडर पर तोरा स्पीड चाल ज़्यादा होने की वजह से वो उतना बढ़िया काम नहीं कर पाएगा। अगर अभी भी कोई सवाल रह गया तो एक वीडियो मैं और भी बना सकता हूँ भाइयों इस पर, जब F17 यहाँ पर खड़ा होगा फिर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बल्कि ये थी सारी वीडियो, वीडियो अगर बढ़िया लगे वीडियो को लाइक कमेंट करना और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।